अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा जमील विद द न्यू टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो इन लेवल्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंट का तसव्वुर एक्चुअली क्या है। सो यू पीपल मस्ट नो दैट हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी अगर यूनिसेल ऑर्गेनिज्म भी है, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी है, तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। सो उन केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली जो बेसिक चीज इन्वॉल्व है दैट इज एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हम कहते हैं एक ऐसा आपके पास चीज है जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए होता है। ठीक है, और अगर हम टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो 92 नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से 16 सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सो इनकी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इन 16 में से हम कहते हैं जो 6 हैं वो 99% तक मौजूद होते हैं, और बाकी के जो 10 हैं वो 1% जो है वो हमारी बॉडी का मास बनाते हैं। सो ऑक्सीजन जो है इसमें वो 65% इन्वॉल्व है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 एंड फॉस्फोरस इज ओनली 1%। ठीक है, उसके बाद अदर बायो एलिमेंट्स की बात अगर की जाए तो उसमें डिफरेंट परसेंटेज के साथ, जो कि पूरे के पूरे सारे ये 10 एलिमेंट्स मिल के टोटल 1% बनाते हैं। ठीक है, सो पोटाशियम जो है वो 0.35% बनाता है, सल्फर 0.25, क्लोरीन 0.15, सोडियम 0.15 एज वेल, मैग्नीशियम 0.05, आयरन 0.004% एंड कॉपर ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, मैंगनीज ट्रेस अमाउंट में होता है, जिंक एंड आयोडीन भी ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। सो इन सब को मिला के, इन सब की परसेंटेज को मिला के टोटल 1% जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी लिविंग बॉडी में। सो लेवल्स पे अगर हम आए कि किस तरह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, सो आपको पता है कि ये सिंपलेस्ट से जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी के लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। अगर सिर्फ हम अपनी ही बात करें, मैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ फिलहाल। सो दे कैन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो उन्हें नॉन लिविंग से अलग बनाते हैं। सो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इनके अंदर पाया जाता है, दे कैन इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट एज वेल। ठीक है, then to sustain its structural and functional integrity as well, ये भी इनके पास ability होती है। so अगर किसी living organism के पास इतनी सारी आप कह सकते हैं characteristics मौजूद हैं, तो फिर उसको organize करना जो है वो आसान बात नहीं है। सो ये लेवल बन चुके हैं। ठीक है, आसान है या मुश्किल, ये बन चुके हैं। सो इनके बारे में आप लोगों को पहले एक लिस्ट में शो कर देती हूँ। पहला जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये नॉन लिविंग में भी मौजूद है, दैट इज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। फिर एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो एक सेल बनता है, दैट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे एक स्पेसिफिक काम करवाने के लिए तो वो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाएंगे तो फिर एक इंडिविजुअल बन जाएगा, दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल और इंडिविजुअल लेवल एज वेल। फिर बहुत सारे सेम इंडिविजुअल, सेम टाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे तो एक स्पीशी बनेगी, फिर बहुत सारी सेम स्पीशीज मिलेंगी तो एक पॉपुलेशन बनेगी एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस पे, देन बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलेंगी और वो अपने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो ग्रुप जो हमारे सामने आएगा दैट इज कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद एक हायर लेवल भी डील किया जाता है दैट इज बायोस्फीयर, लेकिन वो फिलहाल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है।
सो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की अगर बात की जाए तो इसको हम डिफाइन करेंगे, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, हर चीज, दुनिया की हर चीज, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो एक यूनिट से बनी हुई है, एंड दैट यूनिट इज एटम। ठीक है, और एटम जो है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी नजर आ रहे हैं, और कुछ एटम्स की भी उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह। देन मॉलिक्यूलर लेवल है, सो इस मॉलिक्यूलर लेवल को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं इनऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं रीजन ही ये है मॉलिक्यूल के बनने का, कि एलिमेंट्स जो है वो अकेले नहीं रहना चाहते, रह नहीं सकते, उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन होना पड़ता है। ठीक है, सो व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड, एंड दैट स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको पता है कि जब आयंस बनते हैं तो एक्चुअली एटम्स जो हैं या तो अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं या गेन कर लेते हैं और आयन बना लेते हैं। सो इस तरह से वो एक अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर देते हैं तो फिर वो आयन बन जाते हैं। सो इन आयंस का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है जिससे कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जब, तो वो शेयरिंग होती है। ठीक है, तो शेयरिंग के दौरान जो है एटम, दो एटम मिलके कुछ वक्त के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक एटम यूज करता है और कुछ वक्त के लिए दूसरा एटम यूज करता है। सो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाती है, तो वो स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, एंड दैट स्टेबल फॉर्म इज एक्चुअली कॉल्ड मॉलिक्यूल, लाइक वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड डीएनए मॉलिक्यूल। ये सारे वो मॉलिक्यूल हैं जो एक्चुअली बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारी लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। सो मॉलिक्यूल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एज वेल। सो अगर वेट के बेस पे किया जाए तो इसकी दो कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विद लो मोलेकुलर वेट, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से मैक्रो को डिफाइन किया जाए तो मैक्रो मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विद द हाई मोलिकुलर वेट, लाइक स्टार्च एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक हो गया, ये हमारी कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, कि उसमें कौन कौन से एटम्स एक्चुअली पाए जाते हैं। सो एक तरफ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दैम। ठीक है, ऐसे आपके कंपाउंड जिसमें, ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स लाजमी मौजूद हों, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ज्यादातर जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे प्रोटीन बनती है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, ये दोनों मिलके फैट्स बनाते हैं। देन न्यूक्लियोटाइड्स है, लाइक एटीपी, एडीपी और एएमपी, और एटीपी जो है वो हमारी एनर्जी करेंसी है। सो हमारे सारे के सारे जो बेसिक आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हैं। दूसरी तरफ है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। यानी कार्बन अगर किसी में मौजूद है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, सो उसमें हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो जहां पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे होंगे सिर्फ वो ऑर्गेनिक होगा, जिसमें कार्बन अकेला है या हाइड्रोजन अकेला है तो फिर वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आएंगे, लाइक फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेल्स लेवल। सो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेले। पहले जो है वो ऑर्गेनेले लेवल बनेगा, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटम बनता है, एटम्स मिलते हैं हमारे पास तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं चाहे वो माइक्रो हो मैक्रो हो, वो मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो के पावर हाउस भी है सेल का, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन फैक्ट्री हैं हमारे सेल की। ठीक है, ये इनकी डायग्राम भी आपको शो कर दी, न्यूक्लियस भी हमारे पास ऑर्गेनेल की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल लेवल। सो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन टू फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटम बनते हैं, एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल बनता है, ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो एक सेल बनता है। एंड दैट सेल इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, यानी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना। ठीक है, न्यूक्लियस का काम होता है कि उसने डीएनए से आरएनए बना के जो है वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन करानी होती है। ठीक है, दैट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर सेल एज वेल। ठीक है, सो सारे के सारे जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं, सबकी जो आप कह सकते हैं लेबर वर्क जो है वो डिवाइड किया होता है सेल ने। सो कुछ सेल जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनकी पूरी की पूरी लाइफ एक ही सेल पे डिपेंड करती है। ठीक है, सारे के सारे उनके लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो उसी एक सेल पे रिलाई करते हैं। बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब ही जैसे बहुत सारा होता है, तो मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। सेल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो एक तरफ हम कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में तो उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर किसी के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स। सो अगर उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस मैंने अभी आपसे कहा दैट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो जब कंट्रोल सेंटर ही नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल कौन करेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ऑर्गेनेल्स ही कम दिए। ठीक है, कम होते हैं, लिमिटेड नंबर में होते हैं और टाइप भी उनकी कम होती है। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल को अगर डिफाइन किया जाए, दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियस, सो रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, तो उनके पास ऑर्गेनेल्स जो है वो मेम्ब्रेनस भी होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और उसके अलावा नंबर भी उनका जो है वो ज्यादा होता है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सारे जो है वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। नेक्स्ट जो आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।